आप एक उदास जिंदगी जीना चाहते हैं या एक खुश वाली जिंदगी, तो बेहतर है हमारे जीवन में अगर कोई 1% भी अगर कोई चेंजेस ला सकते, किसी के भी विचार जो हमारे क्रोधी मन को शांत कर दें, हमारे लालची दिमाग को शांत कर दें और अपनी फैमिली के इम्पोर्टेंस को सिखा सकें, तो प्लीज़ उनको स्वीकार कीजिए। क्विट, मैं क्विट करता हूँ और तुम ही सही। और पत्नी के लिए यही राइट, कभी पति से झगड़ा तो कहना तुम ही सही, करके तो देखो यार, विद इन 7 days रिजल्ट एकदम अमेजिंग आते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, डिस्कवर विद यशवर्धन में आप सभी का स्वागत है। और अब तक आप मेरे जो वीडियोस ज़्यादातर आप देखते रहेंगे, तो मैंने कार को मॉडिफिकेशन से रिलेटेड देखे होंगे। मेरी ट्रैवल पे अगर मैं कहीं जाता हूँ तो जिन जगह पे मैं जाता हूँ वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ, घुमाता फिराता हूँ। दोस्तों, डिस्कवर विद यशवर्धन की कैनवास को थोड़ा और वास कर रहे हो, बड़ा बना रहे हैं। और बड़ा हम इस तरह से बना रहे हैं कि जीवन के उन पहलुओं को भी हम छुएंगे जहाँ पर कई बार हम परेशान हो जाते हैं, आपसी रिश्तों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, कई बार मानसिक तनाव में आ जाते हैं हम कुछ बातों को सोच करके कि इनसे हम कैसे उभरें। तो अब हम डिस्कवर विद यशवर्धन में उस तरह के मुद्दों को भी शामिल करेंगे जो कि आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके सुकून के लिए, आपके शांति के लिए बहुत जरूरी। अक्सर हम इस बात का जिक्र करते हैं कि जो जीता वो सिकंदर। क्या कभी आपने ये सुना है या सीखा है कि जो हारा वो भी सिकंदर? दोस्तों, मैं यहाँ जीवन के उन द्वंद्व की बात करने वाला हूँ जहाँ पर हमें हारना चाहिए। कहाँ हारना चाहिए? अपने परिवार के लोगों के सामने हारना चाहिए। पति को पत्नी के साथ झगड़े में हारना चाहिए, पत्नी को पति के साथ झगड़े में हारना चाहिए, माता पिता से झगड़े में बच्चों को हार जाना चाहिए और बच्चों से झगड़े में माता पिता को हार जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम यहाँ हारना सीख गए तो तय मान के चलिए कि हमारे को सुकून भी मिलेगा, हमारे को खुशियाँ भी मिलेंगी। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अपने पिछले वीडियोस से जोड़ते हुए, हम आगे अपने विचारों को आपके सामने साझा करते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक सहयोग करें, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें, इसको शेयर करें। तो दोस्तों, मेरी लोकेशन थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि उस वक्त मैं मॉर्निंग में घर पे था, तब रिकॉर्डिंग कर रहा था राइट, और अब मैं बैठा हूँ जहाँ दिवित खेलने आते हैं, उनको मॉर्निंग में लेके आता हूँ तो वहाँ हूँ, तो राइट हम यहाँ बैठे। तो मैंने कहा चलिए समय का सदुपयोग करते हैं, हमारे जो विचार हैं हम आपस में शेयर करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट जो मैंने अपना 3 दिन पहले शॉर्ट एक आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सुकून के लिए हमें क्या करना चाहिए, खुद में झांकना चाहिए। राइट दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, हम अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर ढूंढते हैं, बाहर हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है बल्कि प्रश्नों के उत्तर तो हमारे भीतर हैं। जब आप अपनी परेशानियों को समझेंगे कि आप बेसिकली परेशान किस बात से, किस बात का आपको तनाव है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो आपके अपने आप आ जाएंगे। या तो हो सकता है एरोगेंट हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, लालची हो, तो क्यों ना आप उन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करें। राइट, लोग सलाह देते हैं मेडिटेशन कीजिए, ये कीजिए, बेसिकली यही मेडिटेशन है। आप अपनी परेशानियों पर विचार कीजिए, अपने प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। जिस चीज़ से आप परेशान हैं, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो राइट उसको होगा कि अपने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बैठा है, या किसी 12th के एग्ज़ाम है, या फिर मेडिकल एंट्रेंस है, या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस है उसके लिए, तो राइट वहाँ पर भी रास्ता निकल आता है। और रास्ता कैसे निकलता है कि आपको पता है आपका गोल क्या है, जब गोल आपको पता है तो वाई नॉट आप उसको अचीव कीजिए ना, क्यों परेशान होते हैं? तो उसके लिए मेहनत कीजिए, तो सुकून आपके अंदर है, प्रश्न का उत्तर आपके पास है। सेकेंडरी हम आते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, वहाँ पर किसी तरह की परेशानियाँ हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम पर जैसे ही सोचना शुरू करेंगे, आप तसल्ली से उसको वक्त देंगे तो आपको उसके उत्तर मिलने लग जाएंगे। आप दूसरों से मत अपेक्षा कीजिए कि कोई और आएगा और वो आपके लिए कोई सोल्यूशन ला करके देगा, लो भैया ये है, ये गोली है, इसे खा लो बुखार उतर जाएगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लाइफ है, लाइफ के लिए कोई तय नियम नहीं होता, एक तय गोली नहीं होती, कोई तय तरीका नहीं होता है। हर व्यक्ति की प्रॉब्लम्स अलग हैं और उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशंस भी होता है। तो बेहतर है आप जगह जगह भटकने की जगह अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढें। राइट, तो इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अंदर झांकिए, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और सुकून वहीं से खोजिए, सेटिस्फैक्शन लाइए लाइफ में। आप कब तक दौड़ते रहेंगे हर चीज़ के लिए? लाइफ में अगर आपके पास जीवन यापन के आपने साधन बना लिए हैं तो तनाव लेना बंद कर दीजिए, नहीं बनाए तो उनको बना लीजिए,
और अपने परिवार को समय दीजिए। अगर आप समय नहीं देंगे तो ये तय मान के चलिए कि एक दिन आपका परिवार, आपके बच्चे, वो भी आपको समय नहीं देंगे। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरा शॉर्ट जो मैंने अपलोड किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो ये था कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप कैसे अपने आपे को ना खोएं, अपने ऊपर नियंत्रण रखें, ताकि उन परिस्थितियों का भी आप इस्तेमाल अपने हिसाब से कर लें। सेकंड एक चीज़ और आती कि कभी भी विपरीत परिस्थितियां कितनी भी आएँ, आपने अपना जो आपा नहीं खोना है, आपने खुद गुस्से में नहीं आना, बल्कि शांत होकर के अपने दिमाग का इस तरह से इस्तेमाल करना कि जो परिस्थितियां बनी हैं उनका आप अपने अनुकूल इस्तेमाल कर पाएँ। तो इन बातों को समझिएगा, और जहाँ भी आपको कोई प्रश्न लगता है कि नहीं सर ये बहुत क्लियरिटी नहीं आई, तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको बताऊँ। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, मैं हर किसी की सिचुएशन को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं उनके सॉल्यूशंस आपने ही निकालने हैं। सिर्फ आपको करना यह है कि कभी भी आपने अपना आपा नहीं खोना है, राइट। मैं एक्चुअली उधर इसलिए देख रहा, कोई निकल रहा था, पार्क है सामने, तो अपना आपा नहीं खोना है। अगर आप सोच समझ के हर कदम को उठाएंगे तो तय मानिए कि आप सफल जरूर होंगे, अपने महत्व को आप बनाए रखेंगे। अब मैं आज की तीसरी और आखिरी बात करता हूँ, जो शॉर्ट मैंने कुछ देर पहले ही अपलोड किया है आज। और देखिए वहीं उसी पार्क में बैठा हूँ, कपड़े भी वही हैं, कोई वो स्टूडियो नहीं, तो यहीं पे बैठ के शूटिंग कर रहा हूँ, अभी यहीं पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों बात आज मैंने जो की वो ये की कि ज़रूरी नहीं कि जो जीते वही सिकंदर, जो हारे वह भी सिकंदर। अब आप पूछेंगे भाई कैसे ये पॉसिबल है कि जो हारे वो भी सिकंदर। आप ये देखिए ना, आपका द्वंद्व किसके साथ है, पति का पत्नी के साथ या पत्नी का पति के साथ? आप क्या करोगे सर जीत के? अगर आपस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बैठो डिस्कस करो, घर के अंदर अपनी बात रखो, घर के बाहर जितना लेके जाओगे उतना परेशानियाँ होंगी, राइट। लोग अलग अलग तरह की सलाह देंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो आपकी है ना। तो जब प्रॉब्लम आपकी है तो वहाँ सोल्यूशन क्या निकालेंगे? हो सकता है कुछ समय के लिए कोई गुस्से में हो तो हो सकता है वो कहे कि नहीं मैंने तो मानी नहीं आपकी, बेहतर वहाँ हार जाओ ना, ठंडे दिमाग से सोल्यूशन सोचो यार, राइट। तो वहाँ पर कहे अच्छा ओके आई एम क्विट, मैं क्विट करता हूँ और तुम ही सही। और पत्नी की भी लिए यही, राइट। कभी पति से झगड़ा तो कहना तुम ही सही, करके तो देखो यार, विद इन 7 days रिजल्ट एकदम अमेजिंग आते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। सेकंड आता है बच्चों के साथ प्रॉब्लम बहुत होती है, मेरा भी छोटा एक बेटा है 9 years का लगभग, और उसको कोई भी चीज़ अगर बताते हैं, राइट, तो क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड के साथ प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमारी परवरिश तो जॉइंट फैमिली में, हम 5 भाई बहन, राइट, दादी को भी देखा, बुआ लोग भी हमारे साथ रहे, हमारे बचपन में मेरी बुआ के बेटे हम लोगों के साथ रहा करते थे, मेरी मौसी साथ रहा करती थी, 12-13 लोगों के परिवार में मैं पला बड़ा, तो मेरा बचपन बड़ा अच्छा भी था इन मामलों में कि एक जॉइंट फैमिली को मैंने देखा है। और मेरे चाचा लोग वगैरह सबको तो मतलब जॉइंट फैमिली देखी, तो वहाँ कभी इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। बट आज की डेट में जो इश्यूज़ आते हैं वो क्या आते हैं सबसे ज़्यादा, कि सिंगल चाइल्ड होते हैं, एक या दो बच्चे होते हैं, और आप पैसे की दौड़ के भागे जा रहे हैं। आप बच्चों को समय तो नहीं देते, लेकिन बच्चों को आप क्या देते हैं? उनका मनपसंद आपने लैपटॉप दिला दिया, उनको मोबाइल दे दिया, आपने उनको प्ले स्टेशन ला करके दे दिया, उन्होंने कहा पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना, KFC जाना, मॉल जाना, महंगी गाड़ी दिला देंगे आप, महंगे घर में रहेंगे आप, वो सारी सुविधाएँ आप उनके लिए ला के दे देंगे जो कि वो डिमांड करते हैं। लेकिन इससे बच्चे हमारे हो जाते हैं एरोगेंट, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि बड़ों को बच्चों को क्षमा करना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए। अगर आप समय देंगे, अगर आपने सोचा नहीं मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैंने अपनी बात इससे मनवाना है, इसको सजा देना, आपको क्या लगता है आपका बच्चा मान जाएगा? कभी नहीं मानेगा सर, कभी नहीं मानेगा, वो और ज़्यादा जिद करेगा, राइट, और ज़्यादा जिद करेगा, वो आपको अपना दुश्मन मान लेगा और फिर वो दोस्तों में ढूंढेगा, और कहीं अगर एक आध दोस्त भी गलती से ऐसी सोहबत वाला मिल गया जो कि इसको गलत आदतें डाल देगा, तो आप सोच के देखिए आपकी तो पूरा भविष्य तबाह, बच्चे का तबाह, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? तो हार जाइए सर, हार जाइए, और मौका दीजिए रिलेशंस को अच्छा बनाने का, ऐसी कहीं जीतने से कुछ नहीं हासिल होता, राइट। और बच्चों के लिए मैं कहूँगा, आप जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, बड़े बच्चों की बात करता हूँ, जिनके माता पिता अलग रहते हैं, वो कहीं किसी और जगह जा कर के जॉब करते हैं, अब उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, अब वो कहीं दूर रहते हैं, माता पिता हो सकता है ग्रामीण पृष्ठभूमि के हों तो आना नहीं चाहते हों, या किसी छोटे शहर के तो आना नहीं चाहते, या कोई अन्य परेशानियाँ, मैं बड़े शहर में, मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, कई बार तो प्रॉब्लम्स यहाँ देखते हैं कि 2 कमरों का ही घर होता है, माता पिता को लगता है इससे बेहतर तो हम गाँव वाले घर में, बड़े से घर में रहते हैं, खुले माहौल में रहते, कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं कई बार देखता हूँ कि माता पिता बच्चों के पास नहीं जाना चाहते, या फिर बच्चे उनकी केयर करना चाहते हैं। तो इस बात को समझिए, आप भी जिद मत कीजिए,
बच्चों के पास चले जाइए, अगर आप खुद उतने सक्षम नहीं हैं, आप बार बार बीमार रहते हैं, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो प्लीज़ बच्चों की भावनाओं को समझिए और वहाँ चले जाइए। सेकंड आता है सवाल जो ज़्यादा आता है वो बच्चों का, कि बच्चों के साथ एडजस्टमेंट नहीं होते, कई बार वाइफ के साथ, बच्चे की जो वाइफ है उसके साथ नहीं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती है, यहाँ माता पिता को अपना दिल बड़ा रखना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा, एक जनरेशन गैप होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उम्र का एक फ़र्क होता है, उस फ़र्क को समझिए। सर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और सॉरी फॉर इंटरप्शन, दिवित पीछे आ गए थे तो मैंने उन्हें बताया कि बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ आप चले जाइएगा अभी, कहीं तो खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो हम अपनी बात में वहीं आते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम में क्या होगा कि बच्चों को भी अपने माता पिता को समय देना चाहिए। अगर वो नहीं आ पाते कोई बात नहीं, महीने में एक चक्कर ज़रूर लगा के आइए। मैं तो कई बार छः महीने निकल जाते, मैं जा नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे इस बात से बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे बड़े भाई और मेरा छोटा भाई और मेरी दोनों बहनें वहीं मम्मी पापा के शहर भोपाल में रहती हैं, तो इसलिए मुझे कभी भी अगर वो बीमार होते, कुछ होते, मैं कॉल करता हूँ तो वो यही बोलते हैं, नहीं नहीं भैया हैं, जय हैं, तो राइट हो जाता है। तो मैं तो इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि हम पांच भाई बहन हैं, तो माता पिता के साथ कोई ना कोई हमेशा वहाँ रहता है, राइट। तो मैं लेकिन उन फैमिलीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, माता पिता का एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, दोनों कहीं और जॉब करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स मैं लगातार यहाँ दिल्ली NCR में फेस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे मैं यही कहूँगा, दोस्तों पैसे तो बहुत कमा लोगे लेकिन माँ बाप को समय दो, क्योंकि मैं खुद एक पिता हूँ और मैं और मेरी वाइफ मिलकर अपने बच्चे को जैसे जैसे पाल रहे हैं उसको समय देते हैं, और उसके इंपॉर्टेंस को हम समझ रहे हैं कि सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में मत लगी। सर मैंने जॉब छोड़ दिया कि अपनी फैमिली को अपना समय दे पाऊँ, हाँ लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जॉब छोड़ने से पहले कि आप फाइनेंशियली आप इतने हैं कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपने परिवार का खर्चा उठा पाएँ, पहले इस बात को देख समझ लीजिएगा, राइट। उसके बाद ये सलाह मानिए, नहीं तो कहें सर आप तो कह रहे हैं जॉब छोड़ दो, नहीं सर मैं जॉब छोड़ने की सलाह नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ फैमिली को समय दीजिए, जैसे भी पॉसिबल हो उस तरह से दीजिए, राइट। हो सकता है मेरे इस कन्वर्सेशन से आपको लग रहा है ये सब बातें तो हम जानते हैं, तुम्हारी बात क्यों सुने। दोस्तों हम सब कुछ जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ती है हमें मोटिवेशनल वीडियोस देखने की, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की। एक चीज़ बताओ मुझे, हम जो अच्छे विचार हैं इन्हें रोज़ सुनते रहिए, चाहे वो किसी से भी आ रहे हों, चाहे मेरे से आ रहे हैं, किसी और बंदे से आ रहे हों, इन्हें रोज़ सुनते रहिए। ये बेसिकली हमारे ब्रेन की खुराक है, कभी भी हम डीरेल हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे रास्ते पर वापस ले आते हैं। क्या आप एक उदास ज़िंदगी जीना चाहते हैं या एक खुश वाली ज़िंदगी? तो बेहतर है हमारे जीवन में अगर कोई 1% भी अगर कोई चेंजेस ला सकते, किसी के भी विचार जो हमारे क्रोधी मन को शांत कर दें, हमारे लालची दिमाग को शांत कर दें और अपनी फैमिली के इंपॉर्टेंस को सिखा सकें, तो प्लीज़ उनको स्वीकार कीजिए। अब फ्रेंड्स मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं, पसंद आए, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, इन विचारों को प्रसार को करते रहिए और ज़्यादा प्रसार कीजिए। तो क्या करेंगे आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज नियर एंड डियर के साथ इसको शेयर करेंगे और इसको फैलाते रहिए, बढ़ाते रहिए। भलाई को बढ़ाने में कोई बुराई नहीं होती है, प्लीज़। और हम लगातार मिलते रहेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ आपके साथ मेरी मुलाकात हो और जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ से सीखता हूँ, अपने आस पड़ोस से सीखता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ, क्योंकि इस चैनल का नाम है डिस्कवर विद यशवर्धन। तो हम सिर्फ गाड़ियों के मॉडिफिकेशन तक या कहीं टूरिस्ट प्लेस तक घूमने तक नहीं, बल्कि हम अपने आप को भी डिस्कवर कर रहे हैं और उस खुशियों को जिन्हें कि हम कई बार सोचते हैं हमारे पास नहीं, बेसिकली वो आपके अंदर छुपी, उनको डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी चीज़ है। कहते हैं ना प्राप्त से प्राप्य, जो हमारे पास है वही तो हमें लेना, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके बाय फ्रेंड्स।